शर्ट इसके अंकल ने इसको गिफ्ट किया था। बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, जैकेट, शर्ट, पैंट्स वगैरह। आज मैं सोच रही हूँ टैग निकाल के ये पहनाती हूँ इवान को, अच्छा लगेगा। हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं और इवान एकदम अकेले हैं घर पे, यानी हमारे होटल रूम पे, क्योंकि आज ओडिन हमारे साथ जाने वाला था नए घर पे सफाई वगैरह करने के लिए, सामान वगैरह यू नो अरेंज करने के लिए। लेकिन इवान का सोने का टाइम हो गया था, इवान बहुत लेट सोया, तो मैंने उसको बोला कि तुम जाओ, आज तुम करो सारा काम, मैं और इवान यहीं पे रहेंगे। इवान सो के अभी जस्ट उठा है, मुझे बहुत भूख लग रही है, इवान को बहुत भूख लग रही है। हमारे पास कुछ सामान है, हम कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे इवान का फेवरेट खाना नहीं बनेगा। यानी मेरे पास नूडल्स है, इटालियन स्पेगेटी होती है, वो है। फ्लेवरिंग के लिए कुछ नहीं है, कोई मसाले नहीं है, कोई ब्लैक पेपर वगैरह नहीं है, तो सिंपल सा खाना मैं इसके लिए बनाऊंगी, वो नहीं खाने वाला। तो कुछ तो मैं आज जाके बाहर ढूंढती हूँ, कुछ लेके आऊंगी, एक नई शॉप पे जाऊंगी, एक आध जो बंस होते हैं चाइनीज बंस वो भी मैं पैक कराऊंगी। और आप मेरे साथ चलो, ये पीछे है ना हमारे कपड़े लटक रहे हैं जो हमने वॉशिंग मशीन में धोए, तो ये एक जगह है कपड़े यहाँ पे लटकाने के लिए, और सूख गए हैं तो मैं अभी उतार देती हूँ, आके समेटूंगी सब कुछ। और देखो गाइस मौसम कैसा हो रहा है, एकदम क्लाउडी क्लाउडी, तो यानी बारिश हो रही है या मुझे दिख नहीं रही है, या फिर बारिश नहीं हो रही, या अगर थोड़ी बहुत भी बारिश हो रही है तो मैं फिर भी जाऊंगी। हवा बहुत जोर से चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं खतरनाक, तो मैं फिर भी जाऊंगी। क्यों? क्योंकि बस खाना है, पेट भरना है हमको। वैसे दो दिन से मैं खुद ही घर पे ही कुकिंग कर रही हूँ, बस एक ही बार हम लोग बाहर गए थे, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग गए थे बाहर, कुछ खाया था। मुझे लगता है बारिश हो रही है गाइस, लेकिन फिर भी हम चलेंगे, छाता वाता नहीं है पर पास में ही है तो जल्दी जल्दी भागेंगे। अभी मार्च का महीना चल रहा है और पिछले चार पांच महीनों से हम लोग इतने कपड़े पहन रहे हैं और इवान को इतने कपड़े इतने लेयर्स पहना रहे हैं कि इनका एक घंटा तो सच में तैयार होने में ही चला जाता है। जैसे जीन्स के नीचे लेगिंग्स पहनना, दो तीन टॉप्स पहनना, उसके ऊपर जैकेट, और इवान को भी हम ऐसे ही तैयार करते हैं। और जूते पहनाने में भी टाइम जाता है क्योंकि जूते बहुत मोटे होते हैं, उसके मोटे सॉक्स पहनाना भी बहुत जरूरी है। और देखो बस मैं इसको बिठा के जल्दी जल्दी ऐसे कर देती हूँ तैयार, बट हर बार यू नो अच्छे से लेयर्स चढ़ाना इतना आसान नहीं होता। एक नीचे पैंट हो उसके ऊपर एक और टाइट पैंट पहनाना, बट इवान इज अ गुड बॉय। अबो रेडी टू गो, जूते पहनने हैं बस, मोजे और जूते। कार्टून लगा के रखा है इसके लिए, अदरवाइज ये मुझे तैयार ही नहीं होने देता। फिर ये कार्ड लगेगा, इस कार्ड से रूम खुलता है लेकिन पासवर्ड रोज चेंज होता है, यानी पासवर्ड जाएगा ओडिन के फोन पे क्योंकि उसके फोन से रूम रजिस्टर हुआ है और वो मुझे बताएगा फिर, थोड़ा मुश्किल है। मैं चाहे कहीं पे भी अपना कैमरा रखूं, इवान को पता चल ही जाता है और फिर वो पीछे पड़ जाता है, तो अभी भी उसको कैमरा दिख गया मेरा। अगर मैंने उसे सीट पे बांधा नहीं होता तो उसने कैमरा छीन लिया होता। देखो ऐसा लगता है इवान को पानी पीने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे बहुत जोर लगा रहा है। तो ऐड ही चलते रहते हैं हमेशा। ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया था जैकेट खरीद के, बहुत ही बड़ा है लेकिन वॉर्म है। गाइस एकदम आंधी तूफान आ रही है, बारिश इतनी ज्यादा नहीं हो रही बट हो रही है, तो मैंने सोचा चलता है, काफी ठंडी हवा चल रही है लेकिन इतनी ठंडी नहीं जितनी की जलन में चलती थी। देखो तो मैंने सोचा चलती हूँ, इवान को बहुत सारे लेयर्स कपड़े पहनाए हैं, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो -20 डिग्रीज में रह के आया है, ये थोड़ी सी बारिश और आंधी से क्या होएगा उसको। उसको स्कार्फ पहना दिया है। रास्ते में ये कन्वीनियंस स्टोर आया, मैंने सोचा इसका भी दौरा कर लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या लूँ यहाँ से। वाह यहाँ पे सैंडविचेज है बट कितने महंगे हैं, 12 युआन के हैं, इससे तो सस्ते एयरपोर्ट पे थे, हाउ इज दैट पॉसिबल। 15 युआन में पूरी मील है, ये देखो ये पता नहीं ये बहुत महंगा लग रहा है, ये 18 युआन में, 18 युआन में है चावल, चिकन है खूब सारा। लिटरली मैंने इतना महंगा कन्वीनियंस स्टोर नहीं देखा, सारे प्राइसेस एयरपोर्ट से महंगे हैं। ये बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी शॉप है, ओडिन बहुत तारीफ कर रहा था, इसमें मैं कभी गई नहीं, आगे जाके देखते हैं शायद आगे इसका कहीं दरवाजा हो। तो फाइनली मैं अंदर आ गई हूँ, यहाँ पे थोड़ी 2-स्टेप प्रोसेस है, एक तो टेम्परेचर चेक करना होता है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी रिकॉर्ड करने का है क्योंकि एज अ फॉरिनर ना शंघाई में अभी थोड़ा सा बच के मुझे संभल के रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी केसेस आ रहे हैं नए
वो बाहर से आ रहे हैं तो लोग फॉरेनर्स को देख के डर रहे हैं आजकल. लाइक डर नहीं रहे, कुछ करते नहीं है, बट सिक्योरिटी ज़्यादा हो गई है. तो पहले तो टेम्परेचर चेक, एक मशीन के सामने हाथ लगाना था, और दूसरा अपना हेल्थ कोड जो कि ओडिन ने मुझे बताया कैसे निकालना है फ़ोन पे, तो वो दिखाना पड़ता है. मैं आपको शॉप दिखाती हूँ, क्या ज़बरदस्त है, स्पेशलिटी शॉप है ये देखो. वाओ, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सुशी है, फिश है, फ्रोजन. ये देखो यहाँ अंडे और दूध है सारे. ओवर प्राइस अंडे 240 रुपीस का एक डजन, नॉट सो एक्सपेंसिव, ठीक है. एक्चुअल में अंडे बहुत सस्ते मिल जाते हैं चाइना में गाइस. और इवान का हाल देखती हूँ मैं. इवान भाई साहब ठीक है, थोड़े बहुत छींटे पड़े हैं बारिश के, बट अदरवाइज ठीक है. भूख लगी, अब मैंने इसके लिए बाउजर ले लिया, अब इसको खिलाती हूँ. देखो तीन ब्लूबेरीज वगैरह के दाम तो वैसे ही हैं. यहाँ पे देखो छोटे छोटे मैंगो, छोटे छोटे ऑरेंज, प्री पैक्ड वेजिटेबल्स ज़्यादातर. तो यहाँ पे पास्ता में मुझे ये चाहिए था, ये ले लिया मैंने किसके लिए, थोड़ा सा ये 250 ग्राम पास्ता. यहाँ थाई करी में येलो करी पेस्ट है, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया. अगर ये माइल्ड होगा तो मैं बब्बू को इसमें खाना बना के दे सकती हूँ. 8 yen. खाने को टेस्टी बनाने के लिए मुझे कुछ चाहिए, अभी पूरे मसाले तो मैं तैयार कर नहीं सकती. अब मुझे चाहिए फिश, तो मैं ये कॉड की फिले ले रही हूँ. 580 रुपीज़ पर 250 ग्राम है. इट्स ओके, आई थिंक इससे सस्ता नहीं मिलेगा. तो गाइस मैंने ख़रीद लिया है, दो तरह की फिश ली, एक नई टाइप की ली है, काफ़ी सस्ती मिल रही थी. मैंने गूगल किया तो देखा कि अच्छी है, लोगों ने अच्छा ही लिखा है, हेल्दी होती है वगैरह. और एक कॉड ली जो महंगी वाली, और मैंने वही पास्ता और खाई येलो सॉस लिया. तो देखते हैं आज कुछ बनाऊंगी उसका, आपको दिखाऊंगी कैसा बनता है. इवान खाता है कि नहीं, इसको खिलाने का ही प्रॉब्लम है. बाकी अभी देखो मौसम हो रहा है अच्छा ही, थोड़ी बारिश कम हो गई है, हवा चल रही है, बस बारिश कम हो गई है. और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, जितनी बड़ी दुकान होगी ना हाई फाई, उतने एकदम कोल्ड से उसके रिसेप्शनिस्ट और ये होंगे, यू नो, बिल्कुल ऐसे सीरियस रहेंगे. और जितनी छोटी सी दुकान होगी, एकदम छोटी सी कुटिया जैसी, उतने ही वॉर्म, नहीं ज़्यादा फ्रेंडली लोग होंगे. तो अभी मैं उसी में जाने वाली हूँ. तो गाइज यही वो दुकान है जिसकी शॉपकीपर बहुत फ्रेंडली थी, और उसने मुझे फ्री स्प्रिंग अनियन दिए थे लास्ट टाइम, पर आंधी आने की वजह से इसने अपने दरवाजे बंद कर दिए. तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो दरवाजे खोल दे, और लकीली उसने दरवाजे खोल दिए. तो ये वो दुकान है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. यहाँ से कुछ बड़े टमाटर लेने थे. ये देखो चौलाई, ये चौला ही है यहाँ पे. देखो टमाटर सबकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, एक पत्ता मुरझाया हुआ नहीं है यहाँ पे. चौला ही देखो, ये अलग तरह की बहुत बढ़िया लगती है मुझे. इसकी सब्जी बनाऊँगी मैं जब सेटल हो जाएंगे. तो अभी अदरक लहसुन प्याज कुछ नहीं है, टमाटर ले जाती हूँ. टमाटर अच्छे लग रहे हैं. एक हाथ से मुझे ना सब्जियाँ बटोरना आ गया है. देखो गोभी कितनी बड़ी साइज़ की गोभी है गाइस, देखिए आपने इतनी बड़ी. ब्रोकली दोनों इतनी बड़ी, और ये एक अलग से है सब्जी, पता नहीं कौन सी है. ये अपना इंडियन वाला बटन मशरूम सबसे महंगा होगा. ये मुझे इवान के लिए लेना था फ्रूट. चलो इवान को खुला छोड़ देती हूँ. इवान को तो बस यहाँ पे एक स्कूटर मिल गया, उसके साथ खेलना है. ये छोटी सी दुकान. बैगन का साइज देखो गाइस, बैगन, यहाँ की चाइनीज कैबेज, अलग अलग तरह की फलियाँ, बड़ी मिर्ची, छोटी मिर्ची. फ्रूट में मुझे लेने थे आम. आम बहुत महंगे होंगे क्योंकि आउट ऑफ सीजन है ना गाइस, फिर भी एक ले लेती हूँ, इवान को बहुत पसंद है. मेरे ख्याल से ये 100 रुपए का होगा कम से कम. लहसुन दो ले लेते हैं, दो ही काफ़ी है. ये देखो गाइस सिंघाड़े एकदम इंडिया जैसे, 5. बाबू एकदम मस्त हो गया है. ये देखो गाइस आपको ये पिंक कलर के पेड़ दिख रहे हैं क्या, मैं थोड़ा पास जाऊंगी तो दिखेंगे. ये देखो यहाँ ब्यूटी पार्लर लड़कों वाला, जिसको वो केपॉप वाले लड़के चलाते हैं. ये देखो इतने सुंदर फूल लगे हुए हैं, सिर्फ फूल है, कोई पत्ते नहीं है. अब मैं रोड पे आ गई हूँ. हवा इतनी तेज चल रही है कि मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है इसकी गाड़ी को, हवा ही धकेल रही है. वो पीली वाली कार चली गई, उसकी जगह दूसरी कोई लग्जरी कार आ गई. खाने को टेस्टी बनाने के लिए एक्चुअली ओडिन लाया था पास्ता सॉस, जो कि बहुत टेस्टी है, लेकिन इवान को कभी पास्ता सॉस पसंद ही नहीं आता. एक बार खाया था उसने एक दिन, उसके बाद बोर हो गया. एक ही चीज़ की कमी रह गई, कोकोनट मिल्क. कोकोनट मिल्क के बिना थाई करी अधूरी है, और वहाँ पे कोकोनट मिल रहे थे सिर्फ 10 yuan पे, जो कि 100 रुपए का एक डिब्बा होता है.
लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया। और मुझे लगा इसमें कोकोनट मिल्क भी होगा, पता नहीं क्यों मुझे लगा करी पे इसमें कोकोनट मिल्क होगा। मेरे पास नमक भी नहीं है, देखो इवान मस्ती कर रहा है, देखो मेरे पास नमक भी नहीं है। तो ठीक है चलता है, इवान को क्या पता चलेगा नमक का, वैसे भी उसको नमक कम ही देते हैं। बैठ के टीवी देख रहा है, खैर अभी उसने थोड़ा दूर से टीवी देखना स्टार्ट किया है तो अच्छा है। तो चलो अब मैंने इसको जस्ट धोया सब्जियों को, और अभी काट देती हूँ छोटा छोटा मशरूम को, ऐसे काट देंगे स्लाइसेस में, देखते हैं खाएगा कि नहीं इवान, पता नहीं खाएगा कि नहीं। फर्स्ट टाइम इसको बटन मशरूम दे रही हूँ, इतने टाइम बाद एक छोटा चाकू यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो चाइना में ना इतने बड़े चाकू यूज़ होते हैं, मेरे घर में भी बहुत बड़े चाकू ही हैं। इंडिया से आने के बाद मैं पहली बार बटन मशरूम खा रही हूँ, बहुत याद आ रही थी मुझे। टमाटर, फिश, आधा टमाटर, देखो कितना फ्रेश है टमाटर, मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। ये बटर उड़ीन लेके आ गया था, पता नहीं कहाँ से, काफी महंगा लग रहा है। तैयार करते हैं, तो इंडक्शन मैंने ऑन कर दिया। मेरा प्लान ये है कि मैं सबसे पहले बटर नहीं डालूंगी, मैं सबसे पहले इसमें पानी में उबालूंगी सब्जियों को जब तक गल नहीं जाए, उसके बाद मैं लास्ट में बटर डालूंगी, लास्ट में थाई करी सॉस डालूंगी। सबसे पहले ब्रोकली डालूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम लगता है इसको पकने में। टमाटर को भी अभी डाल देती हूँ, आई थिंक जब तक ब्रोकली पकेगी उतने में टमाटर गल भी जाएगा। यूहू, मैंने इसमें मटर भी डाल दी अभी, ये देखो फिश विवान को इतनी पसंद है ना, और फिश इतनी हेल्दी चीज़ होती है, तो मैंने ब्रोकली निकाल दी और अभी पास्ता डाल रही हूँ। ओके अगर इवान ने नहीं खाया तो मैं खा जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। ब्रोकली निकाल दी ताकि ये ज़्यादा ना पक जाए। तो गाइस ये गल गया है, यानी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है पास्ता, तो अभी मैं इसमें ब्रोकली डालूंगी और पास्ता को थोड़ा और सॉफ्ट होने देती हूँ, इसको कवर करके रख देती हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं बटर डाल के और शायद थोड़े से मशरूम डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है स्मेल बहुत ही बुरा हो जाएगा। ओ गॉड प्लीज़ डोंट स्मेल बैड। और अभी मैं फिश डाल दे रही हूँ, अब मैं येलो करी सॉस डालने वाली हूँ इसमें। ओ माई गॉड स्मेल सो गुड, सो ऑथेंटिक, लिटरली किसी कोरमा मसाला उस टाइप की स्मेल आ रही है इसमें, थाई सॉस की स्मेल नहीं आ रही इसमें क्योंकि वो पत्ते वत्ते नहीं है ना जो थाई करीज में डालते हैं। दिस इज क्रेजी गुड। और पता है इवान को बहुत पसंद है इंडियन करी टेस्ट। वी ये देखो हमारा मिश्रण, फिश, पास्ता, ब्रोकली और पता नहीं क्या क्या है। ये एक्सपेरिमेंट है गाइस, प्लीज उसको सीरियसली मत लेना इतना, मैं भी पहली बार बना रही हूँ, लेकिन अगर अच्छा लगा तो कर सकते हो आप ट्राई, येलो करी सॉस मिल जाए तो। आधा चम्मच डाला मैंने इसमें, आप देख सकते हैं कि कितना धुंधला वीडियो आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि मैंने कैमरा यूज किया आज और कैमरे से फोकस नहीं हो पाता कई बार, इसलिए आगे से मैं आईफोन से ही वीडियो लेने वाली हूँ, सॉरी गाइस। मैं टोटली बटर डालना भूल गई तो मैं अभी डाल रही हूँ। ऑब्वियसली इसके बिना इसका टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन इवान के लिए मैं बटर थोड़ा डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा उसकी हेल्थ पहले जैसी हो जाए। वाओ बटर डालने से ना थोड़ी ग्रेवी लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है इसकी, बटर डालने के बाद तो चार चांद लग गए इसको। बब्बू को भूख लग रही है शायद, मेरे पीछे पीछे घूम रहा है बब्बू। नो गरम 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 गरम, ओ माय गॉड, लो 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 लो, गरम है ना बब्बू, इसको खाने का मन कर रहा है, देखो खुश हो गया रखती, लेकिन गरम है इसलिए हू हा कर रहा है। बब्बू मेरे चॉपस्टिक कहाँ है, कहाँ ले गए मेरे चॉपस्टिक को, अभी तो यही था। मैं आपको खा के बताती हूँ, ये पास्ता तो एकदम सॉफ्ट है ही, थोड़ा ज़्यादा पक गया लेकिन मुझे इवान के लिए बनाना था। मशरूम बढ़िया बढ़िया, थोड़ी नमक की कमी है बस थोड़ी सी, लेकिन टेस्ट ना
इनफैक्ट मुझे मशरूम का डर लग रहा था कि मशरूम की वजह से पूरी करी खराब हो जाएगी, लेकिन बेस्ट चीज मुझे इसमें मशरूम लग रही है। बटर भी है। ओह माय गॉड, हर चीज बहुत टेस्टी है। अभी मैं खाने जा रही हूँ, इवान को खिलाऊंगी। फिश मैं टेस्ट नहीं करूंगी, फिश मैंने इवान के लिए रखी है, थोड़ी सी है जो, बट मुझे लग रहा है इवान को बहुत पसंद आएगा। वो देखो पीछे टीवी के पास चिपक गया जाके। बब्बू टाइम टू ईट। तो फाइनली इवान खाने लगा और मुझे इतनी खुशी हुई कि इवान को पसंद आया। सिर्फ पसंद ही नहीं आया, वो खुशी से उछलने लगा। तो बस मेरी मेहनत सफल हो गई। गाइस आपसे मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करना, ताकि आपको और वीडियोस भी देखने को मिले। और बेल आइकन पे तो क्लिक करना ही है। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @ruchi.ruchi भी, जहाँ पे मैं वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ काफी ज्यादा। और गाइस मिलते हैं, टेक केयर, बाय।